तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के। ये छह ढाला नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है जो देखने में बहुत छोटा सा है पर इसमें सारी जिनवाणी का सार भरा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति एक छह ढाला को ही अच्छी तरह समझ ले तो उसे सारी जिनवाणी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, ऐसे कर लो। आवाज आ रही है ना? नहीं तो थोड़ा राजू भैया आगे आ सकते हो। सही है, इससे गूंज रही थी थोड़ी सी, थोड़ा आगे आने तो आ जाओ। एक एक कुर्सी आगे कर लो। हाँ देखो, तो एक तो अपन को छह डाला की महिमा आनी चाहिए। जब महिमा आएगी तो ज़्यादा फायदा होगा। अपन पढ़ते हैं पर उसकी महिमा नहीं आती है तो फायदा नहीं होता है। तो पहली ढाल में हमने क्या पढ़ा था कि संसार में सब जीव दुखी हैं। दूसरी ढाल में पढ़ा कि क्यों दुखी है। और अब तीसरी ढाल में पढ़ रहे हैं तो सुखी कैसे हो। देखो कितना अच्छा क्रम है। पहली ढाल बता रही थी कि सब दुखी है, जो सुख दिखता है वो भी झूठा है, रियल में सब दुखी है। कभी कभी कोई चीज़ मिल जाती है तो ये सोचता है खुश हो गया, पर वो खुशी ऐसी है कि जैसे खुजली करते समय खुजली मचाते हैं ना। ये खुजली का उदाहरण बहुत आया है शास्त्र में कि जैसे अपन हाथ पे खुजली हो जाए तो खुजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जिनको खुजली हुई है ना, मुझे भी हुई थी एक दफे थोड़ी सी, ये उंगलियों मुझे याद आ रहा है। तो वो बहुत छोटा था तो खुजा लेता था, खुजाते समय तो बहुत ही बढ़िया लगता था, आहा। लेकिन उसके बाद में इतना दर्द बढ़ जाता था कि रात भर तड़पते बीतती थी। खुजली ऐसी गंदी चीज़ है। ऐसे ही पांच इंद्री के विषयों की प्रवृत्ति ऐसी है कि उनका सेवन करते समय तो अच्छा लगता है लेकिन वे बहुत खतरनाक होते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग चाट पकौड़ी नमकीन खाते हैं। बम्बई में चौपाटी पर पकोड़े खाते हैं और खा खा करके फिर इतने परेशान होते हैं। देखो अगर सोचो, अगर नहीं खाया होता तो आराम से बैठे, लेकिन खा लिया तो खाते समय जो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है उसके चक्कर में अपन खाते हैं, लेकिन उसकी वजह से पेट खराब, मोशन खराब, सब कई कई तरह की दिक्कतें जो दूसरी पैदा हो जाती है वो कितनी बेकार है, बहुत दिक्कत होती। एक वो तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वास्तव में कुछ नहीं होने में जो बादशाहत है, जो आनंद है, जो आराम है, वो कुछ होने में थोड़े ही है। होने के बाद तो उसकी चिंता ही चिंता सताती है। मान लो मेरे पास शर्ट नहीं है, तो शर्ट नहीं है ये तो एक दुख है, लेकिन शर्ट होने के बाद तो अब उसको संभालना है, धोना है, अलमारी रखनी है, साबुन रखना है, बाल्टी रखना है, मग्गर, कितनी चीज़ें चाहिए उसके लिए, बहुत सारे झंझट फैलते हैं। तो परिग्रह चिंता दुख ही मानो। तो संसार में वास्तव में सब जीव दुखी हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वे तो इसलिए दुखी है कि हाय मेरे पास है नहीं, जबकि उनको दुखी नहीं होना चाहिए।
दुखी उनको होना चाहिए जिनके पास है, नहीं है वो तो मस्त रह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दुखी है, हमारी कोई लाइफ है? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फालतू में दुखी। और जिनके पास है वो इसलिए दुखी है कि है, उपद्रव चिपका रखा है पास में, उसकी चिंता कौन करेगा, उसकी को उसको कौन पालेगा। तो इसलिए पहली ढाल में बताया कि चार गति 84 लाख योनी में जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। देखो केवल ये नहीं कहा भारत के सब आदमी दुखी है, देखो इन्होंने सोचा कैसे, इन्होंने सोचा दुनिया के सब जीव, केवल मनुष्य नहीं, तेरी अंश भी और भी कोई, सब दुखी है। देव भी दुखी है, लिखा ना, देव गति के जीव भी दुखी है, सब प्रकार के जीव, मन वाले भी, बिना मन वाले भी, सभी दुखी है। कोई कैसे दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, किसी को मानसिक दुख ज़्यादा, किसी को शारीरिक दुख ज़्यादा, पर है प्रॉब्लम। सारी सारी सृष्टि के जीव परेशान है, पहली ढाल। दूसरी ढाल कह रही है वाय परेशान क्यों है, तो कहा कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, सबकी साइकोलॉजी खराब है इसलिए परेशान है। परेशान क्यों है, सबका मन में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चरित्र है, इसलिए दुखी है, नहीं तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। अपन फालतू ही सोच लेते हैं, इसने मेरी इज्जत खराब कर दी। अब इस बात का मीनिंग क्या है, कौन हमारी इज्जत, कोई शर्ट है जो खराब कर दी इज्जत, शर्ट पे कोई पेन छिड़क दे, गोबर फेंक दे तो कह सकते हो शर्ट खराब हो गई। इज्जत कैसे खराब होती है भाई, कैसे होती है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है कैसे खराब होती है। मान लो किसी ने मेरे से कह दिया कि तुम गधे हो, तो उसके गधा कहने से अगर मैं गधा बन जाता तो भी चिंता की बात थी, अरे ये नालायक मेरे को गधा कह रहा है, ये कल को सुअर कह देगा तो मुझे सुअर बनना पड़ेगा। लेकिन उसके कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसी की जबान गंदी होती है, तो हमारा क्या बिगड़ा। किसी कोई हमारी इज्जत खराब नहीं कर सकता, कोई हमारी इज्जत बढ़िया नहीं, हम खुद ही अपनी कीर्ति बढ़िया बना सकते हैं, खुद ही अपनी कीर्ति बुरी बना सकते हैं। तो सब हमारी सोच मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के कारण ही दुखी है, और कोई दुख का कारण नहीं है। ये सारांश है दूसरी ढाल का। तीसरी ढाल का क्या सारांश है, तो फिर सुखी कैसे हो, तो कहा कि तुम दुख किस वजह से था वो ठीक करो। जैसे मैं कहूँ मेरी साइकिल भारी चल रही है, तो किसी ने कहा बताता हूँ, तुम्हारी पिछले टायर में हवा नहीं है इसलिए भारी चल रही है। अच्छा तो क्या करूँ, पिछले टायर में हवा डलवाओ। ऐसे ही कहा दुख क्यों है, कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की वजह से दुख है, तो क्या करूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करो। तो अब तीसरी ढाल में ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करो, इसी से तुमको सुख शांति मिलेगी। और सम्यक दर्शन क्या होता है महाराज, ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा बैंक में खाता खोल आओ सुखी हो जाओगे, कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है गाड़ी खरीद लो, कोई कह रहा है मकान खरीद लो, कोई कह रहा है, सब ऐसे कहते हैं। आपने आज पहली बार बोला है कि सम्यक दर्शन करो, ये क्या होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं। कि सुनो, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, तुम समस्त परद्रव्यों से अपने आप को भिन्न जानो, उसी में अपनापन करो,
इसी का नाम सम्यक दर्शन है। देखो कितना अच्छा कहा। शुरू से एक बार पढ़ लेते जरा सा। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता, शिव माही नताते शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि साम्यक्त बला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थीर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, जीव अजीव तत्व अरुआश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो का त्यों सरदानो, सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, सुन तिन को सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर आनो। देखो क्या कहा इन तीन छंदों में, ये कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही सुख का कारण है, तो तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करो। तो बोले कैसे करे, तो हमको समझाओ। तो अब एक एक समझा रहे, पहले सम्यक दर्शन समझा रहे हैं, बाद में थोड़ी देर बाद में सम्यक ज्ञान समझाएंगे, फिर सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन क्या होता है, तो बोले सात तत्व का सही सही श्रद्धान करो। तो बोले सात तत्व क्या क्या है, तो उन्होंने नाम बता दिया कि जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा और मोक्ष। बोले साहब अब ये भी बताओ, ये भी नाम नहीं सुने थे हमने तो, जीव अजीव आश्रव बंद संवर। तो बोले वो भी बताते, सुनो जीव है वो तीन तरह का होता है, एक का नाम बहिरात्मा, एक का नाम अंतरात्मा और तीसरे का नाम परमात्मा। पहले ये समझो, जीव का दूसरा नाम क्या है, आत्मा, और आत्मा तीन तरह का होता है, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा, तीन तरह का जीव होता है। बोले महाराज ये भी नाम नहीं सुने हमने, ये भी बताओ। तो बोले सुनो बहिरात्मा का मतलब है जो बाहर की चीजों को ही आत्मा समझता है, शरीर भी बाहर की चीज है, और जो शरीर को ही आत्मा समझता है वो क्या है, बहिरात्मा है, ये अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और दूसरा होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा तीन तरह के होते हैं, एक जगन्य, एक मध्यम, एक उत्कृष्ट, एक फर्स्ट डिवीजन, एक सेकंड डिवीजन, एक थर्ड डिवीजन। तो बोल थर्ड डिवीजन कौन है, कि जिसको सम्यक दर्शन तो हुआ है पर व्रत नहीं हुए, तो वो क्या है, थर्ड डिवीजन का। और जिसको सम्यक दर्शन भी हो गया और व्रत भी हो गए पर थोड़े व्रत हुए हैं, तो वो मध्यम अंतर। और एक वो है जिसको सम्यक दर्शन भी हो गया और महाव्रत भी हो गए, मुनि महाराज बन गया वो, तो बोले वो हो गया उत्कृष्ट अंतरात्मा, फर्स्ट डिवीजन वाला। ये तीन तरह के आत्मा होते हैं, इनमें से तुमको क्या करना है, तुमको बहिरात्मा पना छोड़ना है। पहले नंबर तो उत्तम की बात तो अंतरात्मा में आएगी,
सबसे पहले नंबर बहिरात्मा अपना छोड़ो और कोई से भी अंतरात्मा बन जाओ, चाहे थर्ड डिवीजन ही बन जाओ, बन तो जाओ पहले एक बार। अरे भाई पास तो हो जाओ, चाहे थर्ड डिवीजन ही हो, बाद में हम कहेंगे अरे थोड़ी क्वालिटी मेंटेन करो, सेकंड डिवीजन हो जाओ, सेकंड हो गए तो कहेंगे फर्स्ट बनो, और जब फर्स्ट अंतरात्मा बन जाएंगे तो क्या कहेंगे कि अब तुम परमात्मा बनने की तैयारी करो। परमात्मा भी दो तरह का होता है, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। अब देखो नीचे से चलो तो सबसे नीचे नीचे कौन है, बहिरात्मा, उसके ऊपर कौन है, नहीं जगन्य, थर्ड डिवीजन वाला अंतरात्मा, उसके ऊपर कौन है, मध्यम अंतरात्मा, उसके ऊपर कौन है, हाँ जगन्य नहीं उत्कृष्ट, उसके ऊपर ऊपर बढ़ गया तो वो उत्कृष्ट अंतरात्मा, उसके ऊपर कौन है, नहीं सकल परमात्मा। निकल का मतलब है जिसके शरीर भी निकल गया, वो सिद्ध परमात्मा, तो उनको तो टॉप पे बिठाओ सबसे ऊपर। अब ऊपर से चलो, सबसे ऊपर कौन बैठा है, निकल परमात्मा, उसके नीचे कौन बैठा है, सकल, उसके नीचे कौन बैठा है, उत्तम अंतरात्मा, उसके नीचे कौन बैठा है, मध्यम अंतरात्मा, उसके नीचे कौन बैठा है, जगन्य, उसके नीचे कौन बैठा है, बहिरात्मा। ये सब जीव का चार्ट है, अपन कहाँ खड़े हैं। अब ये कोशिश करनी है, अपन तो अभी पायदान पर ही खड़े हैं, हाँ तो अपन को थोड़ा ऊपर उठना है, इसके लिए ये छह डाला पड़ रहे हैं। तो कैसे उठे के, हाँ तो कैसे उठे के, ऐसे उठो के ये जानो कि शरीर भी बाहरी पदार्थ है, ये मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। बताओ शरीर भी मेरा नहीं है ऐसा पहचानो, तब तुम क्या होगा, पहली क्लास से दूसरी में पार हो जाओगे, नहीं तो पहली में ही कितने जन्मों से पहली क्लास चल रही है, हर जन्म में चलो पहली, चलो पहली। एक आदमी सोचने लगा, एक बच्चा था उस पहली क्लास में पढ़ता था पर कुछ नहीं पढ़ता था, उसने सोचा तो फेल हो जाता था, तो उसने सोचा ये स्कूल बेकार है मुझे फेल कर देता है, तो दूसरे स्कूल में गया, उन्होंने भी पहली में भर्ती कर लिया, फिर नहीं पढ़ा तो वहाँ भी फेल हो गया, ये भी स्कूल बेकार है, तीसरे में गया वहाँ भी फेल हो गया, बोले ये भी स्कूल बदलता जा रहा है। अरे तू पढ़ेगा तो किसी भी स्कूल में रहे वहीं पर तू अंतरात्मा बन जाएगा। बहिरात्मा से अंतरात्मा कौन बन सकता है, क्या क्वालिटी है, कोई भी बन सकता है, देव बन सकते हैं, सारे देव बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकते हैं, सब में एलिजिबिलिटी है। सारे नारकी जो नरक में रहते हैं वे भी चाहें तो एक दिन में बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकते हैं, इतने भयंकर प्रॉब्लम के बीच भी। सारे मनुष्य बन सकते हैं, सारे मनुष्य बन सकते हैं, कोई एक भी गरीब हो तो वो भी बन सकता है, कोई झोपड़पट्टी में, कोई किसी होटल पे प्लेट मांझता हो तो वो बन सकता है, बन सकता है, कोई नपुंसक हो तो एक कित, कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह का, कोई थर्ड जेंडर, कोई कहते हैं ना ये काम थर्ड जेंडर नहीं कर सकता, लेकिन सम्यक दर्शन सब कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई विकलांग हो व्हील चेयर पे चलता हो तो कर सकता है, हाँ कोई भी हो, कोई भी उसके मम्मी पापा मर गए हो छोटा हो तो सब कर सकता। कोई मनुष्य ऐसा है जो नहीं कर सकता है, यही मैं पूछ रहा हूँ, सोचो
कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता आर्यन, बताओ आर्यन, कौन मनुष्य ऐसा है जो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता? कोई ऐसा है? नहीं कर सकता, ऐसा कोई मनुष्य है जो 8 साल से छोटा हो? सब मनुष्य सम्यक दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो 8 साल से छोटा होता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसको सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन तीर्थंकर का जीव हो तो, अब देखो समझ में आया, वो तो गर्भ में हो तो भी पीछे से लेके रहते हैं ना, पीछे 8 साल से छोटा सम्यक दृष्टि मनुष्य हो सकता है क्या? कोई पूछे क्या 8 साल से छोटा सम्यक दृष्टि मनुष्य हो सकता है क्या? तो क्या उत्तर दोगे? नया नहीं बन सकता है, लेकिन पहले से सम्यक दर्शन पिछले जन्म से लेके आया हो तो हो सकता है, लेकिन नया नहीं बन सकता। तो सम्यक दर्शन सब, तिर्यंच सब कर सकते हैं क्या? देखो नारकी सब कर सकते हैं, देव सब कर सकते हैं, और मनुष्य भी, वो आयु छोड़ दो, लेकिन सब कर सकते हैं। और तिर्यंच सब कर सकते हैं, तिर्यंच भी एक इंद्री नहीं कर सकते, दो इंद्री नहीं कर सकते, तीन इंद्री नहीं कर सकते, चार इंद्री नहीं कर सकते, और पांच इंद्री भी दो तरह के होते हैं, असंगी और संगी। तो असंगी नहीं कर सकते, सिर्फ संगी पंचेंद्री सम्यक दर्शन कर सकते हैं। गाय कर सकती है? हाँ, गाय, चिड़िया, मेंढक, मेंढक को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, कोई बिल्ली को भी सम्यक दर्शन। ये बिल्ली पालने वालों को ट्राई करना चाहिए, कभी करते नहीं है। बिल्ली पालते, ये कुत्ते बिल्ली पालते जरूर है, नहीं उनका दिमाग खुद को करने का नहीं है तो उसे कहाँ से कराएंगे। अरे तुमने कदाचित बिल्ली पाल ही ली, मेरे से एक ने अमेरिका में पूछा, बोले साहब कुत्ते बिल्ली पाल सकते हैं कि नहीं? मन गया तुम, मैं वहाँ से 13,000 किलोमीटर से ये बताने आया हूँ। मैंने कहा तुम इसमें से शास्त्र में से कुछ पूछो ना, मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो कुत्ता बिल्ली पाल सकते कि नहीं? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी मजबूरी जानो, उसकी मजबूरी जाने, मुझे क्यों चक्कर में फंसा रहे हो? मैंने कहा मैं बोलूँगा पाल लो, और तुम उसको बंधन में रखोगे, खुश नहीं रखोगे, तो किसको दोष लगेगा? और मैं कह दूँ नहीं पाल सकते, तो मान लो किसी को सहारा मिल रहा होगा तो मेरे को उसका दोष लगे? भाई किसी बिल्ली को बढ़िया भी तो रहता है, अब मैं कैसे मना कर दूं? मुझे दोनों तरफ फंसा रहे हो तुम। तुम ढंग से रखो तो अच्छी बात है। आदिनाथ भगवान ने भी सिखाया था पालना, लेकिन उन्होंने गाय पालना सिखाया था। उन्होंने कहा गाय तुम्हारा भला करेगी, तुम गाय का भला करना। कुत्ते के साथ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन वो हो वैसा अच्छे से पालो, जब तो तुम पाल सकते हो, तुमको खुद आना चाहिए। और फिर पालो तो उसे सम्यक दर्शन कराओ ना, कर सकता है वो, संगी पंचेंद्रिय खुद भी करो, उसका अगला जन्म सुधर सकता है। कोई आदमी कुत्ता बिल्ली पाले ना, तो ये उस कुत्ते बिल्ली पर बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, उसको इतना बढ़िया बना सकते हैं। कोई कोई कुत्ते बिल्ली में इतने संस्कार आ जाते हैं कि वो सुबह सुबह पहले है ना, पहले भगवान देखेंगे, उसको जो आदत डाल दो ना, उसको खाना दो, कितने ही कुत्ते बिल्ली में उसको खाना दिया नहीं खाया, फिर पहले थोड़ी देर वो नमोकार मंत्र की रिकॉर्डिंग चलाते थे, उसको वो नमोकार मंत्र सुनता था, ऐसे बाद में खा लेता था। एक कलकत्ता गया था मैं 10 लक्षण में, मैं अपनी आंखों देख के आया,
एक कुत्ता था, वो रोज दर्शन करने आता था मंदिर में, डेली चौरंगी में वो सीढ़ी चढ़ करके गंगवाल साहब का मंदिर, रतनलाल गंग। मैंने कहा अरे ये डेली, और एक दो दिन तो लोगों ने शुरू शुरू में उसको बगा, लेकिन लोगों ने देखा वो बहुत सलीके के साथ चढ़ रहा है, रोज आ रहा है मन ना करने, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और वो कुछ नहीं करता किसी को, वो चुपचाप आता है। कैसे संस्कार डल गए, चुपचाप आता है, सीढ़ी चढ़ता है, दर्शन करके ऐसे ढोक देता है, चुपचाप वापस उतर जाता है, किसी चीज को छेड़ता, गंदी नहीं करता कुछ भी। तो ताजुब है, आप चाहो तो किसी को ऐसे तिरियंच को भी, अच्छे जैन श्रावकों के घर में रहने वाले तिरियंचों को भी महापुण्य का उदय है, वो जिनवाणी सुनेंगे करेंगे, ऐसे पाल पालो तो ऐसे करो। तो तिरियंच भी यदि संगी पंचेंद्री हो तो वो सम्यक दर्शन कर सकता है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकता है। तो वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। मेरे गुरुजी ऐसे कहते थे, अरे भाई वो जब पूंछ वाले सम्यक दर्शन कर सकते हैं तो अपन तो मूंछ वाले हैं, ऐसे कहते थे। तुम बड़े मूंछ 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 का, पहले के ज़माने में मूंछ का सवाल होता था, आजकल तो आदमियों ने भी मुंडवा दी सब ने। तो देखो कितना बढ़िया है, बहिरात्म अंतरात्म पर मातम जीव त्रिदा है, देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। मुधा माने मूर्ख, मुधा माने मूर्ख, अज्ञानी जो शरीर को अपना मानता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, अनपढ़ है। IAS हो तो हो, तो पर इस मामले में मूर्खी है, अज्ञानी है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविद के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिना सुद उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। अंतरात्मा तीन प्रकार का होता है, उत्तम मध्यम जगन, तीन प्रकार का अंतरात्मा होता है। उनमें से जो दोनों प्रकार के, संग माने परिग्रह, द्विविध माने दोनों प्रकार का, संग माने परिग्रह, जिन्होंने सारे परिग्रह छोड़ दिए ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, वो तो आत्मा का ध्यान करते हैं, वे तो उत्तम अंतरात्मा हैं। और मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रति आगारी जगन कहे सम प्रत सम दृष्टि, तीनों शिव मगचरी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? जो घर में रहते हुए भी मुनि जैसा रहता है, देश व्रति है। और जगन्य अंतरात्मा कौन है? कि जो घर में रहता है, सब काम करता है, पर व्रत नहीं है, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि, वो जगन्य अंतरात्मा है। लेकिन है तीनों ही मोक्ष मार्गी, तीनों ही अंतरात्मा है, शिव मगचारी, तीनों ही मोक्ष मार्ग में विचरण करने वाले हैं। सकल निकल पर मातम द्वैविध, तिन में घाती निवारी, श्री अरे हंत सकल पर मातम, लोकालोक निहारी। परमात्मा दो प्रकार का है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। उनमें जिन्होंने घाती कर्मों को दूर किया वो तो क्या है?
सकल परमात्मा, आर्यंत भगवान क्या है? सकल परमात्मा। और वे लोकालोक निहारी, सर्वज्ञ है वो, सारे लोकालोक को निहारना माने देखना जानना, लोकालोक को जानने वाले सकल परमात्मा है। और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सीद महंता ते निकल आमल परमात्म भोगे सार में अनंता बैरातम ताही जान तजी। ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। कि देखो कितना बढ़िया कहा, अर्यंत भगवान तो सकल परमात्मा है और जिनके ज्ञान रूपी शरीर है, और जिनके शरीर चमड़े का शरीर नहीं है, ज्ञान का ही जिनका शरीर रह गया है। त्रिविध माने तीन प्रकार के कर्म मल से रहित सिद्ध भगवान है। देखो इसी का चित्र बना रखा है इस पर, ये जो चित्र बनाया है छह डाला पर वो इसी लाइन से बनाया है। देखो ये जो बीचों बीच है वो क्या है? शुद्ध आत्मा। और ये ऊपर लाल है वो क्या है? भाव कर्म। और नीला नीला जो है वो क्या? देखो ये जो लाल लाल है वो क्या? मुझे संसार में सबसे बढ़िया चित्र कौन सा लगता है अगर कोई पूछे तो मैं ये बताऊंगा, सबसे बढ़िया चित्र मुझे ये लगता है। क्यों लगता है? इसमें सारा भेद विज्ञान आत्मानुभूति जीव अजीव कर्म फिलॉसफी सब आ गई इसमें। एक इस चित्र को समझाओ तो पूरा राजू भैया गोमट सार भी भरा है इसमें, समय सार भी है इस चित्र में, गोमट सार भी है और समय सार भी। और महाराज जी को कितना पसंद था हर किताब पर यही इस शुद्ध आत्मा। हाँ मुझे ये चित्र सबसे बढ़िया पसंद। अभी मेरी एक नई किताब छप के आई भारतीय ज्ञानपीठ से, तो मैंने उस पर यही चित्र छपवाया, लेकिन उसने ढंका नहीं जा, थोड़ा इतना बढ़िया ये इससे भी बेकार लग रहा है वो, उसको इतना कहा ढंग से बनाना पर नहीं बनाया उसने वो। ये देखो ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए ये बीच में बिल्कुल एकदम दूध जैसा सफेद है ना, हंस जैसा, वो तो क्या है? शुद्ध आत्मा। और ये जो लाल लाल है वो क्या है? भाव कर्म। और ये नीला नीला क्या है? द्रव्य कर्म। और ये पीला पीला सुनहरा सुनहरा क्या है? सुनहरा है नो कर्म। हमारे तीन कर्म है लिखा ना ऊपर लाइन में, त्रिविध कर्म मल, तीन तरह के कर्म रूपी मल, तीन तरह के कर्म है, ये समझना बहुत जरूरी है, कोई जानता नहीं अच्छे से। कर्म कितने तरह के? तीन तरह के। पहले का नाम भाव कर्म, दूसरे का नाम द्रव्य कर्म, तीसरे का नाम नो कर्म। एक दफे मेरे को महाराज जी ने बादाम दी, एक दफे नारियल दिया, तो कहने लगे देखो इसमें भी वही बात है। जैसे बादाम होती है ना, यहाँ जो बादाम आती है वो नहीं, हम गोवा गए थे तो पेड़ के नीचे से बादाम उठाई हमने, तो ऊपर क्या होता है पहले हरा छिलका, उस हरे को हटा दो, ये हरा है ये है नो कर्म। फिर हटाओगे तो ऐसा लक्कड़ निकलेगा, वो क्या है? द्रव्य कर्म। फिर उसको भी हटाओ तोड़ के तो अंदर लाल बादाम निकलेगी मिगी, मगर अब वो जो लाल मिगी है उसको भी पानी में भिगोना पड़ेगा, तब वो लाल मिगी में से लाल छिलका हटेगा, जब लाल छिलका हटेगा तो क्या, तब सफेद ऐसी निकलेगी, ये ऐसे है ना, ये देखो ये बादाम की मिगी लग रही है ये। हर
हलवा इसी का बनेगा, हाँ इसी से दिमाग ताजा होगा कहते हैं ना। तो वो ऐसे हर चीज, यानी ये प्रकृति में भी क्या है, सब चीजों पर तीन तीन कवर है, थ्री लेयर में मिलते हैं मुझे सारे फल फ्रूट, सब थ्री लेयर में ही है करीब करीब, सब नहीं पर करीब करीब सब थ्री लेयर में मिलते हैं। नारियल के थ्री लेयर है, ऊपर से हटाओ फिर जटा वाला हटाओ फिर अंदर का हटाओ तब जाके सफेद, और वो भी सफेद निकलेगा, बिल्कुल वो भी सफेद निकलेगा। तो सफेद है वो शुद्ध आत्मा है, और ये लाल क्या है, भाव कर्म। भाव कर्म क्या होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये है लाल राग द्वेष। और ये नीले नीले क्या है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोनी अंतराय, आठ कर्म प्रकृतियां वो है नीले नीले। और ये पीला पीला क्या है, पीला पीला है सोना चांदी रुपया पैसा, जिसके पीछे मर रही दुनिया वो है पीला, हाँ मटेरियल। बाहर जो मकान है वो क्या है, नो कर्म। गाड़ी क्या है, नो कर्म। मान लो मैं एक स्कूटर खरीदूँ तो स्कूटर क्या है, ये शर्ट क्या है, ये शर्ट नो कर्म है। ये फोन ले लेते हैं, फोन क्या है, नो कर्म। बाहर की वे चीजें जिनको मैं अपना मानता हूँ वे नो कर्म है। एक बात और, आपका फोन मेरा नो कर्म नहीं है, आपका फोन आपका नो कर्म है। जो चीज मेरी है, जैसे दिल्ली में इतने मकान हैं, सब मेरे नौकरम नहीं है, लेकिन जिसकी मेरे नाम रजिस्ट्री हो रही है ना, वो मेरा नौकरम है। देखो तो तीन तरह, कितनी बढ़िया लाइन है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सीध महंता ते हैं अमल निकल परमातम भोगे सर्व अनंत। अमल मने साफ, अमल मने मल रहित बिना मल के, मल मने गंदगी और ए मने नहीं, मल रहित अमल। और निकल कल मने शरीर, जिसमें से शरीर भी निकल गया, और वे बहुत शर्म भोगते हैं। देखो क्या लिखा, सर उनको शर्म आती है, सिद्ध भगवान को शर्म आती है। शर्म माने, आजकल शर्म शब्द का अर्थ बिगड़ गया, आजकल तो कह देते तुझे शर्म नहीं आती, पर शर्म शब्द का सही अर्थ लोग भूल गए। शर्म शब्द तो अच्छा है, शर्म माने सुख। आजकल तू बुद्धू है क्या, बुद्धू शब्द का डिक्शनरी में क्या अर्थ है, बहुत बुद्धिमान ज्ञानी। बुद्धू माने केवल ज्ञानी को बुद्धू कहते हैं, मगर आजकल शब्द बिगड़ गया। निकम्मा, निकम्मा माने सिद्ध भगवान, और आज नाम किसका हो गया, निकम्मा माने इस द्रव्य संग्रह में लिखा है निकम्मा सिद्ध भगवान का पर्यायवाची। कर्म रहित आठ कर, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित सिद्ध भगवान, वे निकम्मे हैं। अब कोई हमसे निकम्मा कहे तो हमको खुश होना चाहिए कि सुखी हो, दुखी होना, हमें सोचना चाहिए कब निकम्मा बनूंगा, कब मुझे शर्म आएगी। शर्म छोड़ने की सब कोशिश कर रहे, ए शर्म छोड़ दे। अरे ये इसमें लिखा शर्म आना चाहिए, शर्म माने सुख। कैसे कैसे दे शब्द बिगड़ गए सब आजकल। तो अब कह रहे, अब इस तरह हमने आपको बहिरात्मा बता दिया, अंतरात्मा के तीनों भेद बता दिए, परमात्मा के दोनों भेद बता दिए। अब तुम क्या समझे, सुन के मत चले जाना, तुम क्या समझे। तो लास्ट लाइन लिख रहे हैं, अब ये टॉपिक खत्म हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, तुमने सब समझ लिया है, बोले हाँ जी समझ लिए, ओके जाएं हम घर। अरे सुन तो जा क्या समझा, आखिरी लाइन सुना रहे हैं।
बैरातमता हे जान तज, सुन के चले मत जाना, बैरात्मा को हे ये समझना और उसको छोड़ देना, और अंतरात्मा हुजे और अंतरात्मा हो जाना, और क्या करना, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, और परमात्मा को का ध्यान करना हमेशा, ताकि तू थोड़े दिन में खुद भी परमात्मा बन जाए। एक बहुत बड़े पंडित जी थे आर्यन, गोपाल दास बरैया, सन 1885 की बात है, और वो कलकत्ता में 10 लक्षण करने गए थे। तो 10 लक्षण में प्रवचन होता था, तो वहाँ बगल में कोई कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो अंग्रेजों के ज़माने का बड़ा ज़ोरदार। तो किसी ने कहा पंडित जी का एक लेक्चर अपन कॉलेज में भी रख देते हैं, तो कॉलेज में भी एक लेक्चर रख दिया। तो पंडित जी ऑडिटोरियम में भाषण दे रहे थे, सारे इंजीनियरिंग के साइंस के बच्चे बैठे थे, और साइंस के बच्चों में जगदीश चंद्र वसु भी बैठे थे, बच्चे जगदीश चंद्र वसु। और पंडित जी ने आज लेक्चर दिया, देखो भाई और सब विषय पर तो आप लोग लेक्चर सुनते रहते हो और सुनोगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे, आज मैं आपको जीव का क्या स्वरूप है इस पर लेक्चर देता हूँ, ये तुम्हारे कॉलेज में सुनाने में कम लोग आएंगे, बहुत प्रोफेसर आएंगे जो अलग अलग टॉपिक पे बोलेंगे, मैं तुम्हें कंप्यूटर बताता हूँ, तुम्हें ये बताता हूँ, तुमको जीव पे कोई भाषण देने नहीं आएगा। आज मैंने मेरे भाषण का विषय रखा है जीव, और उन्होंने जीव पर भाषण दिया, बोले तुम साइंस के बच्चे हो, चाहे हंसो कुछ करो, पर मैं तुमको आज जीव समझाने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने समझाया, तो समझाते समझाते ये भी बताया कि पेड़ भी जीव है, तो बच्चे हंसे, ये जीव समझा रहे, हंसे, हंसी उड़ाई पंडित जी की, लो जी ये जीव समझा रहे, ये हमारे साइंस कॉलेज में यही अज्ञान अंधविश्वास फैलाने आए हैं यहाँ। क्या कहा, बहुत से बच्चों ने कहा हमारा साइंस कॉलेज है पंडित जी, कहाँ से आ गए तुम, पेड़ जीव है, पेड़ वेड़ कोई जीव नहीं होता। और पंडित जी ने समझाया कि भाई देखो जीव इतने तरह के होते हैं, उनमें ये पेड़ भी जीव है। तो ऐसे सबने हंसी उड़ाई, लेकिन जगदीश चंद्र वसु ने सोचा बात में कुछ दम होनी चाहिए, तो उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिमाग में चल गया कि मैं इस पर रिसर्च करूँगा। और वो रिसर्च करने लगे, और करते करते उन्होंने 20 साल लगे, सन 1904 में जब वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा मैं एक पेपर प्रेजेंट करूँगा इस कॉन्फ्रेंस में, बोले पेड़ भी जीव है, इस विषय पर एक पेपर प्रेजेंट करूँगा। और साइंस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के साइंटिस्ट के बीच में उन्होंने तरह तरह से लॉजिक दे दे करके ढेर सारे साइंस की लैंग्वेज में एक पेपर प्रेजेंट किया कि पेड़ भी जीव है। तो फिर भी आधे तो मान गए और आधे कहने लगे हम कैसे माने, व्हाट इज द प्रूफ, प्रैक्टिकल करो, ये करो वो करो। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल कर करके बताए, बोले ये भी देखो, बोले देखो ये जहर है ना, इस जहर से जीव मरता है, मैं ये जहर पेड़ को दे दूँ तो ये भी मर जाएगा। तो ऐसे करके सिद्ध हो गया, आज सारे साइंस, अब आज एक भी साइंटिस्ट दुनिया में ऐसा नहीं है जो पेड़ को जीव कहने पे हंसे, सब मान। तो शुरू शुरू में जब अच्छा काम करते हो तो हंसी उड़ती है, लेकिन हमको घबराना नहीं चाहिए। अब अपन ये सास सब चला रहे, कोई हंसी उड़ा सकता है, इन्होंने क्या कर रखा है। लेकिन देखो अपन को एक बात समझना, आप चिंता मत करना, चाहे दो लोग हो मैं टिका हूँ, मैं तब तक नहीं भागूंगा जब तक एक है, सब चले जाओगे तो बैठ के पढ़ लूँगा अपना।
अपन को करना है, एक जोड़ो दो जोड़ो कोशिश भी करनी है, लेकिन अपन देखो कुंद कुंद भारती बड़े महाराज का तीर्थ, सोचो उनकी तपोभूमि कितना उन्होंने यहाँ पर ज्ञान आराधना की। तो यहाँ एक तो कोई गतिविधि, ये राजू भैया बार बार कहते थे मेरे से यहाँ कुछ तो करो कुछ तो करो, तो मैंने कहा भाई हफ्ते में एक दिन तो हम सास सबद तो अपने तो चलेगी, और दो दो चार पांच आ जाए तो बहुत अच्छी बात, जिसका भाग्य हो आ जाओ, नहीं आ जाए तो आप लोग खुश होके आया करो, खुश होके बैठो और देखो ही मत अगल में बगल में कौन है नहीं है, मत होने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपन अपना स्वाध्याय जरूर से जरूर करेंगे। पर बहिरात्मा अपना छोड़ना है, अंतरात्मा बनना है और बनकर परमात्मा का ध्यान करना। चलो जिनवाणी माता की जय।